हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का, एंड दिस इज़ फ्रॉम लोटस हर्बल वाइट ग्लो डीडी क्रीम। दिस इज़ द डीडी क्रीम, डेली डिफेंस क्रीम है ये, और साथ ही मैट लुक देती है, ऑल इन वन है, और एल्यूमिनेटिंग फोटो फिनिश क्रीम है, विद SPF 20 आती है, और ऑल स्किन टाइप है। जी हाँ, और इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी प्राइस 275 रुपीज़ है, प्रोडक्ट क्वांटिटी 30 ग्राम है, और इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है, विच इज़ वेरी गुड। और मैंने जो शेड लिया है वो लिया है बेज शेड, और इसमें 2 शेड्स लॉन्च हुए हैं। बेसिकली फेयर टोन वाले जो हैं वो बेज शेड को इस्तेमाल करके मेकअप कर सकते हैं, और साथ ही इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ डीडी क्रीम इज़ अ वेटलेस फॉर्मूला दैट गिव्स अ नेचुरली इल्यूमिनेटिंग मैटिफाई ग्लो टू योर स्किन। दिस डेली यूज फॉर्मूला हाइड्रेट्स एंड नरिशेज द स्किन वाइल कवरिंग इन परफेक्शन एंड द डार्क स्पॉट्स। और ये इसकी इनर पैकेजिंग है, इस तरह के ट्यूब फॉर्मेट में ये आती है, और इसका जो ट्यूब पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी है, गोल्डन और वाइट कलर का इसका पैकेजिंग है। और इसकी जो की इंग्रेडिएंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इवन आउट स्किन टोन, बिल्डेबल कवरेज, एल्यूमिनेटेड स्किन ऑल डे लॉन्ग। जी हाँ, दिस इज़ सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद में आपको इसके बारे में अपना पर्सनल रिव्यू देती हूँ कि मैंने इसको यूज़ करने के बाद मेरा पर्सनल रिव्यू क्या है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है। सो मेरी वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं होती हैं, तो ये वीडियो भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो अब इसके बारे में मैं बताती हूँ। ये टेक्सचर आपके फुल फेस के लिए इनफ होता है, और साथ ही इस तरह से ये ब्लेंड हो जाता है। गाइस, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये हाथ पे तो काफ़ी इजीली ब्लेंड हो रहा है, बट ये फेस पर एज सच उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। इवन ये जैसे जैसे आप इसको रब करते हैं, ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं अपने फेस पर, वैसे वैसे ये बिल्कुल एक उपटन को जैसे रगड़ के निकालते हैं ना, उस तरह से निकलने लगता है आपके फेस पे, और बिल्कुल भी लो से भी बेकार कवरेज है इसका। जी हाँ, और मैंने इसे जब यूज़ किया था, और थोड़ी देर बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि ऐसा लग रहा है आपने कुछ भी नहीं लगा रखा है फेस पे, आपने सिर्फ लिपस्टिक और आईलाइनर लगा रखा है। मेरा इसको लेकर बहुत, और कहीं ना कहीं ना ये थोड़ा सा चिपचिपी टाइप से लगती है हैंड पर, बिल्कुल बीबी नायका की बीबी क्रीम की तरह लिटिल बिट। मेरा तो इसको बिग नो है, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी मैं आपको इसको ले लें आप। और लोटस के जो दूसरे फाउंडेशंस आते हैं, लाइक लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, सीरम फाउंडेशन, वो काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, बट डीडी क्रीम जो उन्होंने न्यू लॉन्च की है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मुझे 1% भी इसका फॉर्मूला पसंद नहीं आया है। आप इसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, आप लैक्मे की सीसी क्रीम में जा सकते हैं, आप बीबी क्रीम में जा सकते हैं, बट ये तो फेस पर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं लगा रखा है, जस्ट अप्लाई किया है और वो सारा निकल जाता है। सो मेरा बिग नो है इसको, बिल्कुल भी अपने पैसे वेस्ट ना करें, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उसको जाने से पहले बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियो को देख सकें। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, बिग नो है, प्लीज़ डोंट परचेज इट, वेस्ट ऑफ मनी।